मित्रों, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं और आमंत्रित कर रहा हूं भाई कमलेश अग्रवाल जी को, कृपया वो आएं और अपने उद्बोधन से सामीन को नवाजें। भाई कमलेश अग्रवाल जी, ताली बजाना, थोड़ा अच्छे से बजाओ, ये हुई ना बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए नर्मदा मैया की। आज के इस प्रसंग के कार्यक्रम में उपस्थित पीड़ितों को और असहाय को न्याय दिलाने के लिए ख्याति प्राप्त हम सबके आदरणीय श्रद्धेय संजय द्विवेदी जी और यहाँ पे जितने मंच पे बैठे हैं सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और जो मंच का संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई विनोद नयन, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं कि मैं चुनाव तो 99 से लड़ रहा था, मगर जब मैं मंच पे खड़ा होता था तो मैं माइक छोड़ के भाग जाता था। मगर मुझे कहीं ना कहीं यदि माइक पकड़ने की आदत किसी ने डाला है तो मेरे भाई विनोद नयन ने डाली। इन्होंने हमेशा किसी ना किसी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। अभी वो हिंदी भवन की बात चल रही थी, निश्चित रूप से पिछले साल जब हमको विनोद भाई ने एक कार्यक्रम में बोले थे कि हमें हिंदी भवन बनाना है, उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था, लेकिन अब आप लोग के आशीर्वाद से मैं नेता सत्ता पक्ष का हो गया हूँ, क्योंकि महापौर जी हमारी पार्टी में आ गए हैं तो अब हम विरोध में काम नहीं करेंगे, पक्ष में रहेंगे तो ज़्यादा काम होंगे और हिंदू भवन इस साल जरूर बनेगा। क्या बात है। क्योंकि राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं जी, मैंने भी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। बस मैं आखिरी में दो लाइन बोल के अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि दो मिनट से ज़्यादा का समय विनोद भैया ने दिया नहीं है। तो मैं जो मेरे ऊपर लागू होता है मैं वो अपनी बात बता रहा हूँ कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, खुदा की कसम हम मुस्कुराते रहे। हाय हाय, क्या बात है। हमने उनको भी कभी रोने ना दिया, हमने उनको भी कभी रोने ना दिया और वो सितम पर सितम हम पे ढाते रहे। क्या बात है। हौसले थे बुलंद आंधियों के यहाँ, हौसले थे बुलंद आंधियों के यहाँ, पर मकां पे मकां हम बनाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। क्या बात है। और खुदा की कसम हम मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।